IPL 2018 के 29वें मुकाबले में क्रिस लिन 62 रन की शानदार अर्धशतकीय पारी और आंद्रे रसेल 3 विकेट की बेहतरीन गेंदबाजी की बदौलत कोलकाता नाइट राइडर्स ने सुपर संडे मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 6 विकेट से हरा दिया। केकेआर ने बेंगलोर को हराकर इस लीग में अपनी चौथी जीत दर्ज की है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 175 रन बनाए, जिसके जवाब में कोलकाता ने 4 विकेट खोकर 5 गेंद शेष रहते ही 176 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। आरसीबी द्वारा मिले 176 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स को सुनील नरेन और क्रिस लिन की जोड़ी ने मजबूत शुरुआत दिलाई। दोनों बल्लेबाजों के बीच 59 रन की साझेदारी हुई ही थी कि 7वें ओवर में अचानक बारिश आ जाने के कारण मैच करीब आधे घंटे से ज्यादा देर तक बाधित रहा। बारिश रुकने के बाद दोनों सलामी बल्लेबाजी करने क्रीज पर आए। इसके तुरंत बाद 8वें ओवर की पहली गेंद आईपीएल 2018 में अपना पहला मैच खेल रहे आरसीबी के गेंदबाज मुरुगन अश्विन ने सुनील नरेन 27 को ग्राउंड होम के हाथों कैच आउट कराया। 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक बार फिर मुरुगन अश्विन ने रोबिन उथप्पा को अपना शिकार बनाया। उन्होंने उथप्पा को सऊदी के हाथों कैच आउट कराया। वह 3 चौके और 3 छक्कों की मदद से 36 रन की शानदार पारी खेली। दूसरे विकेट के लिए उथप्पा और लिन के बीच 49 रन की साझेदारी हुई। 17वें ओवर की दूसरी गेंद पर नीतीश राणा रिटायर हट होकर पवेलियन लौटे। इस दौरान उन्होंने 15 रन बनाए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने आए बर्थडे बॉय आंद्रे रसेल को मोहम्मद सिराज ने विकेटकीपर दी कॉक के हाथों कैच आउट कराया। वह डगआउट लौटे। इससे पहले विराट कोहली 68 की बेहतरीन पारी की बदौलत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने रविवार को आईपीएल 2018 के 29वें मुकाबले में जीत के लिए 176 रन का लक्ष्य दिया है। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम पर खेले जा रहे इस मुकाबले में आरसीबी ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 175 रन बनाए। कोलिन डी ग्रांडहोम 11 रन बनाकर नाबाद लौटे। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी बेंगलोर की टीम को डी कॉक 29 और ब्रेंडन मैकुलम की जोड़ी ने मजबूत शुरुआत दिलाई। दोनों बल्लेबाजों के बीच 67 रन की साझेदारी हुई ही थी कि चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव ने उन्हें शुभमन गिल के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन भेजा। वह 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 29 रन बनाए। इसके कुछ ही देर के बाद 74 रन के स्कोर पर आरसीबी का दूसरा विकेट ब्रेंडन मैकुलम 38 के रूप में गिरा। आंद्रे रसेल ने उन्हें विकेटकीपर दिनेश कार्तिक के हाथों कैच आउट कराया। इस दौरान वह 4 चौके और 2 छक्के लगाए। मैकुलम के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए मनन बोहरा को आंद्रे रसेल ने 10वें ओवर की आखिरी गेंद पर आउट किया। वह डगआउट लौटे। 18वें ओवर की तीसरी गेंद पर रसेल ने आरसीबी को एक और झटका दिया। रसेल ने मनदीप सिंह 19 को शिवम मावी के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन का रास्ता दिखाया। 4थे विकेट के लिए विराट और मनदीप के बीच 65 रन की साझेदारी हुई।